नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल रिपोर्टर आनंद। दोस्तों वक्त है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों मेरा एक ब्लॉग चैनल है आनंद शुक्ला ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं महेशगंज थाना क्षेत्र से, जहां तीन दिन पहले बहन के घर जाने को निकले युवक का शव गांव से कुछ दूर पुराने कुएं में मिला। मृतक की भाभी ने युवक के विक्षिप्त होने की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महेशगंज थाना क्षेत्र के लोहंगी का पूर्वा भैसाना गाँव निवासी 40 वर्षीय कल्लू पुत्र धनी राम 8 मई को घर से अपनी बहन के घर मानिकपुर जाने की बात कहकर निकला और लापता हो गया। मंगलवार सुबह गाँव से कुछ दूर चतरा गाँव के पास एक पुराने सुनसान कुएं में उसका शव उतराया मिला। के लोग सुबह शौच को निकले तो कुएं से दुर्गंध उठ रही थी। लोगों ने अंदर झांका तो शव उतराया देख हड़कंप मच गया। युवक की पहचान कल्लू के रूप में होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। प्रभारी इंचार्ज विवेक मिश्रा पहुंचे तो मामले की छानबीन की गई। मृतक की भाभी उर्मिला पत्नी जवाहरलाल ने युवक को विक्षिप्त बताते हुए तहरीर दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस की नाक के नीचे काफी समय से गांजा बेचा जा रहा है, लेकिन पुलिस की नजर इन नशे के सौदागरों पर नहीं पड़ी। सोमवार रात कुछ लोगों ने अलग अलग स्थानों पर गांजा बेच रहे लोगों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस सक्रिय हो गई और आनंद फानन में तीन युवकों को गांजा समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। संग्रामगढ़ बाजार में कई स्थानों पर गांजे का कारोबार लंबे समय से हो रहा है। सोमवार को कुछ युवकों ने बाजार में गांजा विक्रेताओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आनंद फानन में छापेमारी कर तीन को अलग अलग स्थानों से गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रामेश्वर प्रसाद निवासी गनऊ का पूर्वा को 700 ग्राम, नन्हेलाल निवासी कस्बा को 500 ग्राम, कमलेश कुमार पटेल निवासी लाला का पूर्वा को 600 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। मामले को लेकर पूरे बाजार में चर्चा रही। सोशल मीडिया पर भी लोगों में चर्चा रही कि जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक पुलिस को पता नहीं चला। इसका सीधा मतलब है कि पुलिस के संरक्षण में अभी तक नशे के सौदागरों का कारोबार फल फूल रहा था। अगली खबर कोहनौर थाना क्षेत्र से है, जहां ग्रामीणों के हाथ पकड़े गए स्मैक विक्रेताओं की निशानदेही पर पुलिस ने गांजा बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया। कोहनौर थाना क्षेत्र में स्मैक से चंदौका के ग्रामीण खुद कार्रवाई पर उतर आए। सोमवार को चंदौका गांव के ग्रामीणों ने गांव में नशा बेचने के आरोपी शुभम मिश्रा व सतीश मिश्रा निवासी गण चमरा कुंड चंदौका को 20 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ लिया, जबकि इनका तीसरा साथी धमकी देते हुए भाग गया। ग्रामीणों ने पकड़े गए आरोपी की जमकर पिटाई के बाद दोनों को स्मैक सहित पुलिस को सौंप दिया। कोहनौर पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर 2 किलो 450 ग्राम गांजा भी बरामद किया। कोहनौर एसओ इंद्रदेव ने बताया कि FIR दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया। अभी कुछ दिन पहले तिवारीपुर गांव में स्मैक विक्रेता व उसके संरक्षकों का ग्रामीणों ने सामाजिक बहिष्कार किया तो इतनी मारपीट हुई कि कई दिनों तक गांव में फोर्स तैनात करनी पड़ी। तिवारीपुर के बाद अब चंदौका के ग्रामीणों ने भी स्मैक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इससे पुलिस पर कार्रवाई का दबाव भी बढ़ गया है। अगली खबर मानिकपुर थाना क्षेत्र से है, जहां घर से निकली वृद्ध महिला का शव कुएं में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के कियावा बबुल्लापुर गांव निवासी घुरऊ प्रजापति की 70 वर्षीय पत्नी द्रौपदी देवी पिछले कई सालों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। सोमवार की शाम वह घर से किसी काम से निकली थी, लेकिन देर रात तक वह घर लौटकर वापस नहीं आई, जिससे परिजन चिंतित हो गए और उनकी खोजबीन शुरू कर दी। मंगलवार की भोर करीब 5 बजे ग्रामीणों ने गांव के किनारे कुएं में महिला का शव देखा तो सन्न रह गए। कुएं के पास ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मानिकपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। शव की शिनाख्त द्रौपदी देवी के रूप में हुई। घटना की जानकारी होते ही उनके परिजन मौके पर पहुंचे और रोने भिनकने लगे। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।